मैं डॉक्टर राहुल अग्रवाल, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, वैदिक हॉस्पिटल कानपुर। आज मुझे आप लोगों से एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही गंभीर बीमारी, जिसे हमारी भाषा में ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब ऑस्टियो मतलब बोन, पोरोसिस मतलब कमज़ोर हो जाना, हड्डी कमज़ोर हो जाना। ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे संसार में। और ये बड़ी दुख की बात है कि ये बहुत अंडर एस्टिमेटेड चीज़ मानी गई है, क्योंकि हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर हम इस चीज़ पे ध्यान ना दें, हड्डी कमज़ोर होती जाती है और उसके कारण छोटी सी इंजरी से ही आदमी का फ्रैक्चर हो जाना, या कई बार फ्रैक्चर नहीं होता तो पूरे शरीर में दर्द बना रहता है। कुछ चीज़ें ये समझनी ज़रूरी है कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, और कुछ चीज़ें ये समझनी ज़रूरी है कि अगर हमें ये हो गया है तो हम कैसे उससे सही हो सकते हैं। आज की डेट में ऑस्टियोपोरोसिस जो ये बीमारी है, ये महिलाओं में ज़्यादा मिलती है, यूजली जब उनके पीरियड बंद हो जाते हैं तो उसके बाद हड्डियां तेज़ी से कमज़ोर होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों में ही ज़्यादा मिलती है, अब ये आदमियों में भी ज़्यादा मिलने लगी है। कुछ चीज़ें हमें अपने खान पान में चेंजेस लाना, जिससे हमारी हड्डियां कमज़ोर ना हो, वो ज़रूरी है। सूरज की रोशनी, हम देखते हैं भारत एक गर्म देश है, फिर भी आज की डेट में जैसे हम लोग जनरल देखते हैं रोज़ाना के उसमें, तो हमें ये मान के चलिए कि 100 में से 90% लोग विटामिन डी के कमी के शिकार मिलते हैं, जबकि सूरज खूब है। तो क्यों है विटामिन डी की कमी? क्योंकि बच्चे बाहर खेलना नहीं चाहते, फीमेल्स घर से बाहर निकलती हैं तो चेहरे पर सनस्क्रीन लगा लेती हैं और वो अल्ट्रावायलेट रेज उसके अंदर जा नहीं पाती, तो इसलिए और ज़्यादा हड्डियां जल्दी कमज़ोर होने लगती हैं। आज की डेट में ऑस्टियोपोरोसिस को हम लोग साइलेंट किलर भी कहते हैं। साइलेंट किलर, पहले जैसे हम लोग बीपी और शुगर को बोलते थे, जो कि बोलते नहीं हैं, धीरे धीरे शरीर को कमज़ोर करते जाते हैं, वैसे ही ऑस्टियोपोरोसिस में भी हड्डी धीरे धीरे हमारी कमज़ोर होती जाती है, और एक समय पर इतनी कमज़ोर हो जाती है कि जरा सी चोट लगने से ही वो टूट जाती है। आपने देखा होगा बूढ़ी औरतें झुकते चलती हैं डंडा लेकर, उसका कारण भी वही है कि उनकी रीढ़ की हड्डियां धीरे धीरे टूट के झुकने लगती हैं, जिससे वो उनका पूरा कमर झुक जाती है। कैसे हम ऑस्टियोपोरोसिस से बचें, क्या ध्यान रखें और कैसे हम इसको सही करें, ये समझना ज़रूरी है। तो सूरज की रोशनी पहली चीज़, जो कि हमें फ्री में मिलती है, तो सूरज की रोशनी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हम चलचलाती धूप में निकल गए, लेकिन सुबह की जो सूरज की रोशनी आ रही है या शाम को जो ढलता हुआ सूरज है, वो बहुत ज़रूरी है। बच्चे आज की डेट में सिर्फ कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन पर लगे रहते हैं, उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है, जिससे हमको कम से कम विटामिन डी मिले। कुछ जांचें जैसे एक एक्सरे, और फीमेल्स में जब उनके पीरियड बंद हो जाते हैं तो एक जांच BMD, बोन मिनरल डेंसिटी, कि उनकी हड्डियों में कितनी ताकत है, ये बताने के लिए, ये समझने के लिए, ये जानने के लिए ये जांच ज़रूर कराएं, जिससे हमें पता चले कि वो कौन सी स्टेज पे हैं। जैसे 3 स्टेज, एक नॉर्मल आदमी है, एक की हड्डी कमज़ोर है और एक की बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अगर नॉर्मल है तो अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं, बीच की स्टेज जिसे हम ऑस्टियोपीनिया कहते हैं, तो ऑस्टियोपीनिया में कुछ दवाइयाँ और ऑस्टियोपोरोसिस में कुछ दवाइयाँ, कई बार कुछ इंजेक्शन हेल्पफुल हैं। आज की डेट में ये बहुत बड़ा बर्डन है कि ऑस्टियोपोरोसिस, जिसके कारण बिलियन ऑफ डॉलर्स का फार्मा इंडस्ट्री
चलती है, तो कैसे हम इन चीजों को कम करें बिना किसी पैसे को खर्चा करे बिना। कुछ चीजें जैसे जब बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज, सूरज का लेना, अपने खान पीन में बदलाव करना, जैसे हरी सब्जियां ज्यादा खाना, अंकुरित सब्जियां खाना जैसे अंकुरित चने, मोट, होल ग्रेन, होल ग्रेन मतलब संपूर्ण जो पूरा दाना है अनाज का, वो उसका चोकर ना निकालें। कुछ कैल्शियम के और सप्लीमेंट जैसे दूध, आउटडोर एक्टिविटीज जैसे चलना फिरना, कुछ एक्सरसाइजेस, इससे हम ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव कर सकते हैं। ट्रीटमेंट पे आते हैं तो बचने के लिए है। ट्रीटमेंट में जो बचाव में चीजें बताई गई हैं वो तो जरूरी है ही है, उसके साथ कुछ कैल्शियम की दवाइयां लेना। आपका अगर बीएमडी कम है तो उसके लिए कुछ इंजेक्शंस जो कि हमारी कैल्शियम को बोन में डिपॉजिट करते हैं वो लगवाना जरूरी होता है। जैसे मैंने बताया कि ये एक साइलेंट किलर है, तो कैसे साइलेंट किलर है, मैंने ये भी बताया कि जब हड्डी टूट जाती है, और यूजुअली जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो 60, 70, 80s में आते हैं, और कई लोग 70, 80s में सर्जरी के लिए भी फिट नहीं होते, कार्डियक इशू, किडनी इशू, ओवरऑल हेल्थ उनकी ऐसी नहीं होती कि हम उनको ऑपरेट भी कर सकें, और कई लोगों को अगर हम ऑपरेट भी कर देते हैं तो हड्डी कमजोर होने के कारण जो उसमें प्लेट लगाते हैं वो भी काम नहीं करती, और कई लोग ऑपरेशन के बाद भी उनका देखा गया कि उतना लाइफ स्पैन नहीं बचता है जितना एक नॉर्मल आदमी का बचता है, तो इसीलिए एक साइलेंट किलर है, ये बोलती नहीं, तो इसलिए, लेकिन हम अगर इस पे ध्यान नहीं देंगे तो हमें इसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है, अगर किसी की शरीर में दर्द रहता है तो वो एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले, और इन केस अगर कोई फीमेल है जिसकी उम्र 45 से ज़्यादा है तो एक कैल्शियम के साथ साथ जो मैंने और चीज़ें जैसे हरी सब्जियां, कुछ एक्सरसाइजेज, थोड़ी देर धूप लेना, और जो खान पीन में हमें परहेज चाहिए, मोटापा ज़्यादा होता है तो उसका भी हमारी हड्डियों के कमज़ोर होने पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत ही गंभीर समस्या है और हमें इसका ध्यान देना ज़रूरी है। तो आज ही से हम शुरू करते हैं अपनी बोन को हेल्थ मेंटेन रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए। धन्यवाद।